हेलो, माय नेम इज़ देवव्रत द्विवेदी और मैं जिस एक्ट पे बात करने वाला हूँ वो है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। ये एक्ट अमेंड हुआ था 28 मार्च 2021 को बाय पार्लियामेंट एंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस एक्ट पे जाने से पहले मैं इसका बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूँ। ये ओरिजिनली अमेंडमेंट से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1991 में पार्लियामेंट में। ये जो एक्ट है एक्चुअली बोल सकते हैं कन्फ्लिक्ट है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। इस एक्ट को लाने का पर्पस ये था क्योंकि सब जानते हैं कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है विथ लेजिस्लेटिव असेंबली और वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली और एज वेल एज LG भी हैं। LG मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यहाँ पर टसल चल रही थी। एज वी ऑल नो फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग स्टेट गवर्नमेंट के ये उन पे एलिगेशंस थे कि जो भी फाइल्स रिलेटेड टू जो भी वो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं जैसे कोई भी काम हो गया बिल पास किया ऑन कोई भी लॉ पास किया लेजिस्लेटिव असेंबली ने वो LG परमिशन नहीं दे रहे हैं उसकी फाइल वो पास करने के लिए वो बिल पास करने के लिए लॉ कानून बनाने के लिए। तो अब यही बात के कोर्ट में चली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाई 2018 में। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दी कि आप सिर्फ पब्लिक ऑर्डर एज वेल एज पुलिस इन तीनों के अलावा आप कोई भी बिल डायरेक्टली पब्लिक के लिए आप लागू कर सकते हैं बिना LG को रेफर किए या उनकी परमिशन या ओपिनियन लिए बगैर आप ये डायरेक्टली लागू कर सकते हैं। ये 2018 के वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। वो 5 जजेस की बेंच थी उसमें। अब उन्होंने एक बात तो स्टेट गवर्नमेंट को कह दी कि आप लागू कर सकते हैं लेकिन दूसरी हाथ उन्होंने बैलेंस आउट करने के लिए ये भी कहा कि ऐसा भी नहीं कि आप पूरी तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर को निगलेक्ट करें अवॉइड करें आप उनको कोई भी मैटर रेफर ना करें। तो उन्होंने बैलेंस आउट करने के लिए ये कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आर्टिकल 239 के मुताबिक उनके पास पावर है कि अगर वो कोई बिल अप्रोप्रिएट नहीं समझ रहे हैं या उसे सही नहीं उन्हें लग रहा है तो वो रेफर कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। इन्होंने यही वर्डिक्ट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में। अब ये जो नया अमेंडमेंट एक्ट आया है इसमें आया है कि आप कोई भी लॉ जो आप पास करना चाहते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की परमिशन से ही होगा। एक्चुअली उसी वापस सेम पेज पे हम आ गए। इस केस का नाम था गवर्नमेंट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था July 4, 2018 में। अब इसके एक साल बाद दिल्ली लॉ सेक्रेटरी ने 2019 में अपने इंटरनल मेमो में कहा कि आप भले ही सुप्रीम कोर्ट के वो जजमेंट के मुताबिक आप लॉ रिलेटेड टू लैंड पुलिस पब्लिक ऑर्डर के अलावा जो आप लॉज बना रहे हैं वो आप डायरेक्टली पब्लिक में लागू कर रहे हैं बट आपको LG को भी ये बात बतानी होगी बस उनके नॉलेज में आपको ये बात रखनी है। ऐसा भी नहीं कि आप पूरी तरह उनको अवॉइड कर रहे हैं या उनको अंधेरे में रख रहे हैं। ये कहना था दिल्ली लॉ सेक्रेटरी का 2019 में। 2018 की वर्डिक्ट से पहले एक्यूजेशंस लगा रही थी दिल्ली गवर्नमेंट LG पर कि वो उनके जो भी बिल्स जो लॉज वो जो पास कर रही है असेंबली से वो LG पास नहीं कर रहे हैं। अब 2018 के वर्डिक्ट के बाद ये एक्चुअली उल्टा होने लगा कि सेंटर अब एक्यूजेशंस लगा रही है दिल्ली गवर्नमेंट पे कि जो भी ये जो बिल्स बना रहे हैं ये LG के नॉलेज में नहीं डाल रहे हैं ये डायरेक्टली पब्लिक को लागू कर दे रहे हैं। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 है ये कह रहा है कि अब दिल्ली असेंबली को परमिशन लेनी होगी जो भी लॉज वो पास करें अपने असेंबली से उसमें LG की परमिशन उनको लेनी पड़ेगी। पहले सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के मुताबिक उन्हें सिर्फ लॉज रिलेटेड टू लैंड
पब्लिक ऑर्डर, पुलिस के अलावा जो भी लॉज है वो डायरेक्टली पब्लिक को वो लागू कर सकते हैं। सिर्फ एलजी की उसमें नॉलेज होनी चाहिए कि ये बस वो लॉज उन्होंने पास किए, उसमें उन्होंने परमिशन नहीं लेनी है। बट अब वो बाउंड है, जो भी लॉज पास करे दिल्ली असेंबली उन्हें उसमें एलजी की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 है, ये इतना ही कहता है। थैंक यू।